क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 12 एंड 18 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे हमें रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, एज वी नो दैट व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू 4 दिया है, बी का वैल्यू माइनस 12 दिया हुआ है और सी का वैल्यू 18 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन मीन्स व्हाट, हमें यहाँ पे एल का वैल्यू फाइंड करना है, एम एंड एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट विथ योर फर्स्ट, वी विल सी हियर दिस इज व्हाट डायरेक्शन रेशियो। सो लेट ए बी एंड सी बी डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज 4, बी इज माइनस 12, सी इज 18। नाउ व्हाट, से लेट एल एम एन बी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, देयरफॉर एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर, व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एंड व्हाट इज एन हियर, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एक पहले यहाँ पे हम रूट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आई विल सी हियर, देयरफॉर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। सो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज ए, ए इज अ 4, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर, बी इज अ माइनस 12, सो माइनस 12 का स्क्वायर, सी इज अ 18, तो ये जाएगा 18 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं, दिस इज 16, माइनस 12 का स्क्वायर इज अ 144, 18 का स्क्वायर इज अ 324। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करते तो क्या मिलता है यहाँ पे हमें, 448 प्लस 6 14 कैरी 1 3 7 8 ये हो जाएगा 484 हो जाएगा। बराबर है, इसका स्क्वायर रूट का जो मिल जाएगा बच्चों अपने को यहाँ पे, दिस इज व्हाट 22। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 22। ये हमने क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज ये तीनों में हमारे लिए कॉमन चीज है। ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर में है तो इसको हमने अलग से फाइंड आउट कर लिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ पे, 22 मिल गया है। नाउ विल फाइंड एल एम एन, सो नाउ विल से हियर, देयरफॉर एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, व्हाट इज ए, ए इज 4 अपॉन 22, इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूँ तो प्लस माइनस 2/11 हो जाएगा। नाउ एम, एम इज प्लस माइनस बी बाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, माइनस 12 अपॉन 22 विच इज इक्वल टू व्हाट, इसको मैं अगर 2 से कैंसिल करता हूँ तो आई एम गेटिंग प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस और ये माइनस है, मतलब ये प्लस माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये माइनस प्लस 6/11 हो जाएगा। ठीक है, और एन क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, एन इज अ प्लस माइनस सी, सी इज व्हाट हियर 18, सो 18 बाय 22, 2 से कैंसिल किया, सो दिस इज 9/11 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 11 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइन क्या मिल गया यहाँ पे, सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, फर्स्ट पॉजिटिव है, फर्स्ट निगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव है, सो आई विल से 2/11, यहाँ पे माइनस 6/11 और यहाँ पे 9/11, देन व्हाट इज योर माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 2/11 देन प्लस 6/11 एंड लास्ट इज व्हाट माइनस 9/11, सो दीज आर द व्हाट डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 12 एंड 18 के लिए।